लॉकडाउन के कारण बहुत लोगों को परेशानी हो रही है, खासकर कर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। कई संगठन गरीब और जरूरतमंद की मदद के लिए आगे आए हैं। आरपीएफ भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। जगह जगह पर गाड़ियों से भोजन गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच बांटा जा रहा है, जिसका जायजा लिया सहयोगी राजेश कुमार ने। पुलिस फोर्स यानी रेलवे के संपत्ति की सुरक्षा करने वाला जो पुलिस बल है, वह आज की घड़ी में यानी कोरोना संकट के दौरान समाज सेवा या लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आरपीएफ के ये अधिकारी लोग हैं जो खिचड़ी बांट रहे हैं लोगों के बीच। जो भी ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें भोजन चाहिए, तैयार भोजन वो उन्हें दिया जा रहा है। स्पेशली ये हटिया रेलवे पुलिस पोस्ट के हैं, ये खिचड़ी बांटी जा रही है। लोग आसपास के ये टूपूदाना के समीप का क्षेत्र है। आप कहाँ कहाँ बांट रहे हैं? हम सब इंस्पेक्टर सूरज पांडे हैं, आरपीएफ पोस्ट हटिया से। हम लोग की जो एरिया है, खास करके ये यहाँ पर बिरसा चौक, हवाई नगर, इधर हम लोग जोजो सरिंग, बाल सरिंग, लोदमा के आसपास तक बांटते हैं। प्रतिदिन हम लोग का ऐसे ही 400-500 आदमी का भोजन बनता है और बांटा जाता है। हमारे जो हमारा मेस है उसमें बनता है ये खाना, उसके बाद हम लोग इसको सर्व करते हैं। अच्छा, ये भोजन में खिचड़ी ही हर दिन बनवाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, मेनू बदल बदल के बनता है। कभी खिचड़ी है, कभी पूरी सब्जी है, कभी कुछ है, खास करके खिचड़ी बनाते हैं हम लोग। ये खाना रोज मिल रहा है किसी न किसी जगह से? हाँ। कौन कौन लोग अब तक देते आए हैं? ये तो आज दिए, पहले भी मिला है? हाँ। सबसे बड़ी सेवा अभी यही है कि लोगों को तक भोजन पहुंचाया जाए, कोई भूखा न रहे। कैमरामैन सुशील के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत, रांची।